बढ़ना है तो मैं आप सबको वेलकम करता हूं हमारे आज के इस स्टेप टू वेबिनार में विच इज ऑल अबाउट स्टार्टिंग योर बिजनेस और जब हम बात करते हैं बिजनेस की तो डेफिनेटली हम यहां बात करेंगे उन रिवार्ड्स की जो हमारी इनकम अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़े हैं जो ओरिफ्लेम के साथ जुड़े हैं जिन्हें आप अपने लिए अर्न कर सकते हैं हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको लोगों को इनवाइट करना है और रिक्रूट करना है और जब आप किसी को इनवाइट या रिक्रूट करते हैं तो आप स्पॉन्सर बन जाते हैं और एज अ स्पॉन्सर आपकी कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस बिजनेस में ग्रो करें और अगर आप बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए सीखना जरूरी है और उस सीखी हुई चीज को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है आपने बहुत सारे सक्सेसफुल लीडर से भी सुना होगा दैट दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट डुप्लीकेशन यानी वो नॉलेज जो आपने गेन की है उसे आप अपने तक सीमित नहीं रखेंगे आप अपने नेटवर्क में उसे जरूर शेयर करेंगे एंड यू विल इंश्योर कि आप जिनके साथ शेयर कर रहे हैं दे आल्सो बिकम इंडिपेंडेंट एंड दे आल्सो गेन नॉलेज एंड शेयर इट फर्दर विद देयर पीपल हुम हैव रिक्रूटेड राइट सो सबसे पहले हम बात करेंगे रिवॉर्ड एंड इनकम ऑपरचुनिटी की कि जब आप ऑरीफ्लेम के साथ अपने करियर की शुरुआत करते हैं तो क्या रिवॉर्ड्स हैं यहाँ जुड़ने के और ये इनकम ऑपरचुनिटी कैसे आपकी इनकम को बढ़ाती है So, यहां पर आप एक बेहतरीन ऑपरचुनिटी का हिस्सा बने हैं जहाँ और ऑफर करता है फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी जहां आपको मिलती है पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट जहां मौका मिलता है आपको पूरी दुनिया को घूमने का और जहाँ आप एक फैंटेस्टिक और स्ट्रॉन्ग इनकम ऑपरचुनिटी का हिस्सा बन जाते हैं आपको सपोर्ट मिलता है Via जहां आप इन को करते हैं, बिजनेस को और ज्यादा अच्छे से समझते हैं और आप और आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और उन सभी के लिए जो इस बिजनेस में आए हैं टू सेट अ गोल गोल सेट करने का मतलब कि आपने जो ड्रीम्स देखे हैं क्योंकि हम अक्सर जब भी किसी को अपने साथ जोड़ते हैं वी टॉक लॉट अबाउट ड्रीम्स और हमारा मानना है कि अगर आप सपने देख रहे हैं तो आप एक पर्पसफुल लाइफ को जी रहे हैं जहां एक उद्देश्य है जहां एक ऑब्जेक्टिव है जहां एक पर्पस है उस जिंदगी को लीड करने का अगर आप किसी भी गोल या किसी भी ड्रीम के बिना अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं तो ना तो वो लाइफ एडवेंचरस होगी ना एक्साइटिंग होगी एंड आपको भी कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि आप एक नॉर्मल रूटीन को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ को जी रहे हैं एक्सट्रीमली so इम्पॉर्टेंट कि आप सपनों को देखें और इन सपनों को देखने के बाद इन्हें गोल्स में जरूर कन्वर्ट करें यानी जब हम सपने देख रहे हैं और जब हमें ये पता है कि हम ये कब तक पूरे करेंगे राइट right? वो डेडलाइन जब हम अपने इन सपनों में डाल देंगे तो वो हमारे गोल्स बन जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर गोल सेटिंग अपने आप की और उन सभी लोगों की जो आपके साथ जुड़े हैं सो so अक्सर जब लोग जुड़ जाते हैं तो ये सवाल करते हैं कि हमें करना क्या है सबसे पहला काम आपको गोल सेटिंग करना है राइट right? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंस्पायर्ड फील करें जो कि आप बहुत सारे लीडर्स की सक्सेस स्टोरी से कर सकते हैं उनको ग्रो होते हुए उनकी रिकग्निशन को देखते हुए कर सकते हैं लेकिन मोटिवेशन आपको अपने ड्रीम्स और अपने गोल से ही आएगा सो so ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्लूलेस होकर काम करने से बेहतर है कि आप एक फिक्स्ड गोल और एक सपने के साथ यहाँ काम करें जहां आप बिल्कुल क्लियर हैं कि कौन सा टाइटल है हमारे प्लान uh, में जो आपके इन ड्रीम्स और गोल्स को पूरा कर सकता है आपके लिए बहुत आसान होगा कि आपको 12% परसेंट मैनेजर करना है या आपको एक डायरेक्टर बनना है या आपको एक गोल्ड बनना है और इस क्लैरिटी के साथ जब आप काम करना शुरू करेंगे तो आप और आसानी से काम कर पाएंगे और सही दिशा में अपने एफर्ट्स को लगा पाएंगे एक्सट्रीमली so कि आप यहाँ पर सबसे पहले अपने गोल्स को क्लियर करें राइट और गोल्स बहुत छोटे और बहुत बड़े भी हो सकते हैं राइट छोटे की बात करें तो शायद एक मोबाइल फोन का लेना भी आपका गोल हो सकता है राइट अब मोबाइल फोन का सपना आपने देख लिया लेकिन कब तक या सो so, मेरे पास एक एंड्रॉइड फोन है सैमसंग का एंड आई वॉन्ट टू बाय एन आई फोन या और जो मुझे इस साल के एंड तक चाहिए तो मेरा ड्रीम क्या है मोबाइल uh, फोन का जो मुझे लेना है मुझे पता है कौन से ब्रांड का लेना है और मुझे ये भी पता है कि मुझे कब तक लेना है दिसंबर 2020 तक या? So अब ये मेरा सपना नहीं मेरा गोल बन गया है और यही गोल्स आपको इंस्पायर करते हैं मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अपने आप से ये सवाल पूछे कि क्या आपको अपना गोल पता है ऐसा तो नहीं कि किसी को फॉरेन ट्रिप पर जाते हुए देखकर आपने अपना गोल वो बना लिया है क्या आप वाकई दिल से पैशनेट हैं उसके लिए या सिर्फ बस दिखाना है कि देखो मैं भी फॉरेन ट्रिप पर हूं या देखो मेरे पास भी गाड़ी है राइट सो so किसी को देखकर हम इंस्पायर जरूर हो सकते हैं किसी को देखकर हम उस जैसा बनना भी चाहेंगे लेकिन आप उसके लिए पैशनेट होने चाहिए वो दिल से आपका होना चाहिए तभी आप उसे अचीव कर पाएंगे और अगर यहां कंफ्यूजन है तो और सोचें और देखें अपने मन को और तलाशें कि क्या और कौन से ऐसे सपने हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं और कब तक पूरा करना चाहते हैं और अगर आप क्लियर हैं तो डेफिनेटली यहाँ इनकम अपॉर्चुनिटी आपको ऑफर करती है तीन अलग तरीके की इनकम जो आपके इन्हीं गोल्स और ड्रीम्स को पूरा करने में आपकी मदद करेगी सबसे पहला है इमीजिएट प्रॉफिट दूसरा है ट्रेड डिस्काउंट और इंसेंटिव और तीसरा है बोनसेस एंड कैश अवार्ड इमिजिएट प्रॉफिट की बात करें तो ये वो प्रॉफिट है जो आप प्रोडक्ट को सेल और रिकमेंड करके अपने लिए अर्न करते हैं so किसी प्रोडक्ट का प्राइस अगर दो हजार है तो आपको ये पड़ेगा 1720 का और जब आप इसे सेल और रिकमेंड करेंगे तो यहाँ आप इमिजिएटली जो प्रॉफिट अर्न करेंगे दैट विल बी फोर थर्टी और ये हो गया आपका पहला तरीका इनकम को अर्न करने का So, जितना ज्यादा आप प्रोडक्ट्स पर फोकस करते हैं एक से ज्यादा प्रोडक्ट पर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली ये प्रॉफिट आपका बढ़ता जाता है हाउएवर बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि प्रोडक्ट सेलिंग से आप लॉन्ग टर्म में इनकम नहीं अर्न कर सकते और बड़ी इनकम अर्न नहीं कर सकते राइट इसीलिए आपका फोकस ऑन अर्निंग ट्रेड डिस्काउंट एंड इंसेंटिव ज्यादा होना चाहिए या So, जैसा कि हम सब जानते हैं बीपी यानी वो पॉइंट्स जो हमें हर प्रोडक्ट की परचेजिंग पर मिलते हैं जितना ज्यादा प्रोडक्ट का प्राइस होता है उतने ज्यादा बीपी होते हैं और इसीलिए हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको आसान तरीके से बिजनेस को करना है तो अपना फोकस छोटे छोटे प्रोडक्ट्स पर ना रखकर बड़े प्रोडक्ट्स पर रखें सो so दैट एक ही बार में आप ज्यादा पॉइंट्स को एक्यूमुलेट कर पाए इसका मतलब ये नहीं है कि हमें किसी को जबरदस्ती सेल करना है या हमें एक सॉल्यूशन देना है लोगों को जहां हम इस सॉल्यूशन के थ्रू लोगों की प्रॉब्लम को भी ठीक कर रहे हैं रिलेटेड टू स्किन रिलेटेड टू देयर एनर्जी रिलेटेड टू देयर फोकस या और जहां इन रिटर्न हमें ज्यादा पॉइंट मिल रहे हैं राइट सो so, जितने ज्यादा पॉइंट होते जाएंगे उतने ज्यादा हम यहाँ पर अपने इन पॉइंट्स को एक्यूमलेट करके अपना प्रॉफिट अर्न करते जाएंगे सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप इस इनकम को जरूर समझें दूसरा तरीका जैसा मैंने कहा कि आप यहाँ सेलिंग के थ्रू बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते ये इनिशियली जब आप शुरुआत करते हैं इज ओके गुड इनफ हाउ इन लॉन्ग रन अगर आपको यहां से पैसे कमाने हैं एक स्टेबल इनकम चाहिए जो बहुत सारे लोग आज इंडिया में ले रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहां पर अर्न करें इनकम को थ्रू परफॉर्मेंस डिस्काउंट एंड जिसमें आपको दो तरीके से इनकम मिलती है ट्रेड डिस्काउंट और इंसेंटिव की फॉर्म में ट्रेड डिस्काउंट का मतलब जो आपने खुद पॉइंट्स किए हैं पर्सनल पॉइंट चाहे वो सौ बीपी का ऑर्डर हो चाहे वो दो सौ का हो उस पर भी आपकी इनकम बनती है और उसे कहा जाता है ट्रेड डिस्काउंट और अगर आपके नीचे लोग हैं कोई थ्री परसेंट कोई सिक्स परसेंट कोई नाइन परसेंट उनसे आप एक डिफरेंशियल इनकम अर्न करते हैं जिसे कहा जाता है इंसेंटिव ट्रेड डिस्काउंट और इंसेंटिव को मिलाकर बनता है परफॉर्मेंस डिस्काउंट और परफॉर्मेंस डिस्काउंट का मतलब वो इनकम जो आपके बैंक में ट्रांसफर की जाती है राइट सो दिस इज द इनकम व्हिच गेट्स ट्रांसफर्ड इन योर बैंक एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ टू कंपोनेंट्स. वन इज ट्रेड डिस्काउंट एंड दी अदर इज इंसेंटिव ट्रेड डिस्काउंट इज द इनकम विच यू अर्न ऑन योर पर्सनल बीपी एंड इंसेंटिव इज द इनकम विच यू अर्न ऑन य डाउनलाइंस राइट सो आइए यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम आ, हमारे परफॉर्मेंस डिस्काउंट का जहां हम इमिजिएट प्रोफिट यानी वो जो आपने प्रोडक्ट को सेल करके कमाया है प्लस ट्रेड डिस्काउंट यानी जो आपका पर्सनल पॉइंट पर इनकम होता है राइट सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर आप सबसे पहले अपने लेवल्स को जरूर आइडेंटिफाई करें लेवल्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं जहां आप देखते हैं कि आपने टोटल ग्रुप पॉइंट्स कितने किए हैं राइट right? मैं अगेन यहां करना चाहूंगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप पॉइंट्स राइट कई बार अक्सर लोग सोचते हैं मैंने 200 पॉइंट्स खुद के कर लिए इसलिए मेरा लेवल थ्री परसेंट है कोर्स हो सकता है हाउ हमेशा ग्रुप पॉइंट्स को हम कंसिडर करते हैं किसी भी लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई 2400 पॉइंट यानी 200 हंड्रेड फोर ट्वेंटी अकेले खुद से नहीं करेगा राइट right? एक छोटी टीम चाहिए होगी इन पॉइंट्स को अचीव करने के लिए और यहां पर uh, इसीलिए हम ग्रुप पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं आपके लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए So, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये जरूर आइडेंटिफाई करें कि आपके साथ कितने लोग जुड़े हैं और आपका लेवल क्या है फॉर एग्जाम्पल मैं जिसने किए हैं हंड्रेड पॉइंट और मेरे नीचे पांच लोग जुड़े हैं और सबने किए हैं हंड्रेड 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 सो पांच लोगों ने अगर हंड्रेड पॉइंट किए दैट मेक्स इट फाइव हंड्रेड एंड आई हैव ऑल्सो डन हंड्रेड पॉइंट दैट मेक्स दी टोटल ऑफ सिक्स हंड्रेड तो सिक्स हंड्रेड टोटल पॉइंट्स पर मेरा लेवल होगा 6% एंड दैट्स हाउ वी विल सी कि हमारा यहाँ लेवल क्या है, राइट? फॉर एग्जांपल मेरा स्ट्रक्चर है और मैंने किए हैं टोटल चार हजार पॉइंट, तो आई विल बी अ 15% मैंने किए हैं 8,000 पॉइंट और 8,000 पॉइंट यहाँ आता है इसके बीच में, राइट? सो आई विल बी अ 18 मैंने किया है points, तो वो यहां से आप अपने लेवल को identify करते हैं। this chart is extremely important, right? क्योंकि यहां से ही आपका बिजनेस शुरू होता है तो so जैसा मैंने कहा कि जब आप इनकम पर फोकस करते हैं तो आप सेलिंग से शुरुआत करते हैं राइट right? सेलिंग uh, शुरू में आपको ज्यादा प्रॉफिट देती है uh, ज्यादा इनकम शो करती है क्योंकि आप इमिजिएटली प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं राइट right? एंड आप यहाँ पर इन uh, प्रोडक्ट्स को सेल करके इमिजिएटली पैसा कमा रहे हैं सो so शुरू में आप देख रहे हैं देर इज अ गैप शुरू में आपको सेलिंग से ज्यादा अच्छे तरीके से इनकम मिलती है क्योंकि यू हैव स्टार्टेड सेलिंग दीज प्रोडक्ट एंड अर्निंग दी मनी इमिजिएटली हाउएवर लॉन्ग रन में अगर आप लंबे समय की बात करें तो आप सेलिंग आपका ही रहेगा आप अकेले हैं दो चार लोग और हैं जो मिलकर सेलिंग कर रहे हैं हाउएवर जब आप एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं तो ग्रुप क्रिएट करने का मतलब है कि आपकी सेले आपकी जो इनकम है वो ग्रुप के थ्रू थ्रू धीरे धीरे बढ़ रही है राइट सो इन लॉन्ग रन रिक्रूटमेंट से ही आपकी इनकम ज्यादा आती है बहुत इंपॉर्टेंट है इसे समझना और समझाना क्योंकि अक्सर कई बार लोगों को सेलिंग इतनी ज्यादा पसंद आ जाती है कि वो जितने लोगों को भी अगर जोड़ते हैं अपने साथ तो उन्हें भी सेलिंग ही सिखाते हैं राइट इट इज गुड कि आप सेलिंग कर रहे हैं और सेलिंग सिखा रहे हैं बट यहाँ जो इनकम का पोटेंशियल है वो सेलिंग में नहीं रिक्रूटमेंट में है सो so, आप इमेजिन करिए आपके पास 24 फोर आवर्स है सभी के पास 24 घंटे होते हैं दिन में जिसमें आपको सोना भी है जिसमें आपको फैमिली भी देखनी है खाना वगैरह भी बनाना है और घर के बाकी काम भी है और साथ में और फ्लेम भी करना है राइट तो आपके पास कितना समय होगा सेलिंग का शायद दो से तीन घंटे टू दी मैक्सिमम साइड राइट या yeah, सो so आप 24 घंटे में से दो तीन घंटे निकालकर सेलिंग कर रहे हैं तो आप कितना सेल करेंगे दो तीन घंटे में या yeah? लेकिन जब आप लोगों को अपने साथ जोड़ लेते हैं एंड कंसिडरिंग कि आपने जितने लोगों को अपने साथ जोड़ा है सभी के पास दो तीन घंटे ही हैं क्योंकि सभी को अपनी फैमिली मैनेज करनी है खाना बनाना है और घर के काम करने हैं right? राइट तो आप आपने अपने साथ दस लोगों को जोड़ा तो दस इंटू थ्री आवर्स सबके पास तीन घंटे हैं, तो यानी आपने अपने लिए खुद टोटल थर्टी घंटे यानी थर्टी आर्स जनरेट कर लिए हैं राइट सो so जो आपका फोकस है रिक्रूटमेंट पर वो ज्यादा होना चाहिए आप अपने घंटे बढ़ा लेते हैं चाहे हम उसकी सेलिंग की बात करें या बिजनेस की बात करें तो यू इंक्रीज दी नंबर ऑफ आवर्स एवरी टाइम यू रिक्रूट समवन एक्सट्रीमली तो इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ फोकस करें अपने साथ लोगों को जोड़ने पर और अपने काम करने के घंटों को बढ़ाने पर हर एक नया रिक्रूट जिसे आप बिजनेस में लाते हैं और अगर सही गाइडेंस देते हैं एज ए स्पॉन्सर जिसकी हम अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में बात करेंगे तो आप यहाँ अपने घंटे बढ़ा लेते हैं काम करने के क्योंकि तो खुद आपके दो तीन घंटे और जो नया रिक्रूट आप लाए हैं उसके दो तीन घंटे और मिलकर ये हो जाता है छह घंटे So, ऐसे ही ये घंटे बढ़ते जाते हैं जैसे ही आप और लोगों को रिक्रूट करना शुरू करते हैं एंड दैट्स हाउ यू मेक मोर मनी जब आप रिक्रूटमेंट पर फोकस करते हैं सो so, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ इसको समझें जो हमारा सेकेंड इनकम कॉम्पोनेंट है विच इज परफॉर्मेंस डिस्काउंट सो आप यहां पर पर्सनल uh, पॉइंट पर अपनी इनकम कमाते हैं अपने ग्रुप की पॉइंट पर अपनी इनकम कमाते हैं राइट right? और जितना ज्यादा लोगों को इनवाइट करते जाएंगे उतनी अपनी इनकम को आप बढ़ाते जाएंगे राइट सो मोर द नंबर ऑफ पीपल यू विल इनवाइट एंड मोर द इनकम यू विल अर्न फ्रॉम ऑलफ्लैंड एट डायरेक्टर लेवल आप क्लोज uh, टू 55 टू 60,000 थाउजेंड रुपीज एवरी मंथ ईजिली अर्न कर सकते हैं अगर आपका फोकस है एक सही नेटवर्क स्ट्रक्चर को बनाने पर और अपने घंटों को हर दिन बढ़ाने पर राइट सो so, इस फोकस को हमेशा बनाए रखें और आगे बढ़े और एक सक्सेस प्लान के साथ, जहां आप पर्सनल पॉइंट पर कमाने वाली इनकम जिसे हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट यहाँ आपने देखा सौ पॉइंट किए हैं या और सौ पॉइंट पर आपने लगभग ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज की इनकम अर्न की है और यहां आपने अपने नीचे एक नेटवर्क बनाया है और इस नेटवर्क पर आप इनकम अर्न करते हैं पचपन हजार रुपए की सो हाउ यू अर्न इनकम थ्रू परफॉर्मेंस डिस्काउंट और जब आप और फ्लेम के सक्सेस प्लान में आगे बढ़ जाते हैं तो आप यहाँ टाइटल होल्डर बन जाते हैं और टाइटल होल्डर से मतलब है जहां आपकी इनकम अ शुरू हो जाती है जहां आपके टाइटल Uh, पर आपको कैश अवार्ड मिलने शुरू हो जाते हैं साथ में ही आप यहाँ पर और फ्लेम कॉन्फ्रेंसेस को भी क्वालिफाई करना शुरू कर देते हैं यहाँ आपको मौका मिलता है बोनसेस को भी अर्न करने का मौका मिलता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाने का और कैश अवार्ड्स को अर्न करने का सो so अगर हम बात करें हमारे सक्सेस प्लान कॉम्पनसेशन प्लान की तो यहाँ पर आपको चार अलग कैटेगरीज मिलेंगे हमारे लीडरशिप के राइट right? So, हम अगर बात करें हमारे पहले ग्रुप की जहां आपको मिलता है कैश अवार्ड पांच पचास हजार से दो लाख के बीच का डायरेक्टर सीनियर डायरेक्टर गोल्ड डायरेक्टर सीनियर गोल्ड एंड सफायर पांच टाइटल यहां पर हैं और यहां एनुअल इनकम है फाइव लाख से सिक्सटीन पॉइंट फोर लैक्स तक So, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी और यहां आपको ट्रैवलिंग मिलती है नेशनल लेवल पर तीन कॉन्फ्रेंसेस आप नेशनली क्वालिफाई करते हैं राइट देन uh, हमारा अगला ग्रुप आता है डायमंड का जहां पर आप तीन टाइटल्स लेते हैं डायमंड डायमंड एंड डबल डायमंड कैश अवार्ड तीन लाख चार लाख और पांच लाख का और यहां आपकी इनकम एनुअली हो जाती है थर्टी टू लाख से लेकर फिफ्टी वन लाख तक यहां आप दो इंटरनेशनल ट्रिप्स भी क्वालिफाई करते हैं गोल्ड कॉन्फ्रेंस एंड डायमंड कॉन्फ्रेंस देन आता है एग्जीक्यूटिव ग्रुप जहां आपको कैश अवार्ड मिलते हैं 12 लाख से 21 लाख रुपए तक के और यहां आपकी एनुअल इनकम हो जाती है 73.6 लाख ,00 से लेकर 1.63 करोड़ तक और यहां आपको इन दोनों के साथ मिल जाती है आपका तीसरा कॉन्फ्रेंस विच इज एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्रेंस और ये तीनों ही हमारे फॉरेन ट्रिप्स हैं जो आप अर्न करते हैं साथ ही प्रेसिडेंट ग्रुप जहां आपको मिलते हैं कैश अवार्ड 50 लाख से 5 करोड़ तक के और यहां आप इनकम uh, अर्न करते हैं एनुअली 2 करोड़ से 5 करोड़ तक की राइट और यहां आप ट्रैवल करते हैं हमारे ग्लोबल लीडरशिप काउंसिल के लिए विच इज फोर्थ फॉरेन ट्रिप जिसे आप कह सकते हैं या सो so, <coughs> बहुत सारे रिवॉर्ड्स आपको इस सक्सेस प्लान से मिलते हैं इंपॉर्टेंट है इन रिवॉर्ड्स के बारे में जानना और इन्हें क्वालिफाई करना अब आइए बात करते हैं इनवाइटिंग और रिक्रूटिंग पीपल की किस तरीके से आप लोगों को अपने साथ रिक्रूट कर सकते हैं और इसके लिए तीन स्टेप्स बहुत जरूरी हैं पहला स्टेप लोगों को ढूंढना कि आपको किसे अपने साथ जोड़ना है और उन्हें कहाँ ढूंढना है दूसरा स्टेप इन लोगों को एक मीटिंग में इन्वाइट करना अगर लोग मिल भी गए तो अब उन्हें एक मीटिंग में जरूर इनवाइट करना पड़ेगा जहां आप अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे और जहां आप बताएंगे लोगों को ऑरिफ्लेम के बारे में और तीसरा स्टेप जहां आप अपनी मीटिंग को रन करेंगे जहां लोग जानेंगे कि ऑरिफ्लेम क्या है किस तरीके से यहाँ लाइफ को चेंज किया जा सकता है सबसे पहला है लोगों को ढूंढना और ये आसान हो जाता है अगर आप कुछ मेथड्स को फॉलो करते हैं पहला मेथड है नेम बैंक एंड रेफरल्स दूसरा है ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग तीसरा है कुछ अदर प्रोस्पेक्टिंग मेथड्स जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं सो so, जब हम बात करते हैं हमारे पहले मेथड की लोगों को ढूंढने के तो वो है नेम बैंक ये गोल्डन रूल की तरह है इसे आपको हमेशा फॉलो करना है और हर वक्त इसे आप इंश्योर करेंगे कि ये आपके बैग में है इन अ फॉर्म ऑफ अ डायरी और इन फॉर्म ऑफ अ बुकलेट जो आपको ऑरिफ्लेम से नेम बैंक के नाम पर ही मिलती है जिसे आप खरीद सकते हैं या नेम बैंक इसका नाम अगर आप देखें नेम बैंक यानी बैंक एक ऐसी जगह है जहां बहुत सारा पैसा रहता है आपकी सेविंग्स होंगे आपका जो पैसा आता है वो भी आपके अकाउंट में ही आएगा बैंक में आएगा तो यानी समथिंग वेयर यू हैव लॉर्ड ऑफ मनी Right? और इसका मतलब यहां ये है कि अगर आपके पास ये नेम बैंक है यानी यहाँ पर ढेर सारे नाम हैं जिन्हें आप और के बारे में बता सकते हैं जिनसे बात कर सकते हैं तो आपकी जेब में बहुत सारा पैसा हो सकता है एंड दैट इज द रीजन वी कॉल इट एज नेम बैंक और सबसे पहले नेम बैंक में नाम कहाँ से आएंगे आपके इनर सर्कल से आएंगे इनर सर्कल का मतलब जो लोग आपको जानते हैं या yeah, आपके दोस्त हो गए आपके रिश्तेदार हो गए sure ये सबके घर में आते हैं राइट right? किसी को आप अगर बताएंगे कुछ स्किन केयर टिप्स के बारे में या किसी भी मेकअप के बारे में या किसी भी ऑपरचुनिटी के बारे में क्योंकि आपके रिश्तेदार हैं फ्रेंड्स हैं तो एक ऑब्लिगेशन भी होगी कि आपकी बात को सुने राइट right? हो सकता है वो इंटरेस्ट शो ना करें राइट right? वो आपको कह दें कि नहीं आई एम ऑक्यूपाइड मैं तो नहीं कर पाऊंगा बट यू कैन ऑलवेज टेक रेफरेंसेस राइट आपके फ्रेंड्स के भी बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे उनके भी बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे राइट right? एक से दूसरे तक दूसरे से तीसरे चौथे पांचवे तक या yeah, सो so इस रूल को हमें हमेशा फॉलो करना है और सबसे पहले आप अपना फोन ही उठाकर देख लें तो उसमें आपको बहुत सारे नंबर्स मिल जाएंगे राइट right? हो सकता है जब आप इन लोगों से बात करें ये इंटरेस्ट शो कर भी सकते हैं और नहीं भी राइट बट आपको ये याद रखना है कि आपको इनसे रेफरेंसेस लेने हैं यानी ऐसे लोगों के नाम जो इन्हें जानते हैं शायद आपको नहीं और हो सकता है वो और में इंटरेस्टेड हो राइट और आप हमेशा उनसे बात कर सकते हैं इनका नाम लेकर कि मुझे आपका नंबर मेरे इस फ्रेंड से मिला था राइट right? और मैं आपके साथ कुछ ऑपरचुनिटी uh, या कुछ प्रोडक्ट्स को शेयर करना चाहता हूँ yeah? so नाम जोड़ने का राइट सो इनर सर्कल में आपके जान पहचान रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी जिन्हें आप जानते हैं वो लोग आ गए आउटर सर्कल में ऐसे लोग जिन्हें आप नहीं जानते हैं या जानते हैं चेहरे से राइट right? चेहरा देखा है और आप जानते हैं ये कौन है बट नाम नहीं पता या फिर नाम से जानते हैं चेहरा नहीं पता राइट right? या फिर ना नाम से जानते हैं और ना चेहरा पता है सो yeah? so ऐसे लोग आपको कहा मिलेंगे ऐसे लोग आपको अपने सर्कल से थोड़ा सा बाहर मिलेंगे राइट right? किसी के थ्रू मिलेंगे या सोशल मीडिया पे मिलेंगे इन लोगों के नाम भी आप लिखें इस नेम बैंक में और इनसे भी रेफरेंसेस लें इनका इंटरेस्ट हो या ना हो रेफरेंसेस लेते रहें राइट right? तो ये कुछ एग्जाम्पल uh, के जहां पर आप पूछ सकते हैं कि uh, क्या आप किसी को जानते हैं जो इंटरेस्टेड हो एडिशनल इनकम कमाने के लिए राइट right? मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑफर है और मुझे ऐसे दो तीन लोगों के नाम आप प्लीज बताइए जिन्हें इंटरेस्ट हो uh, एक एक्स्ट्रा इनकम को अर्न करने में आई एम श्योर आज की डेट में कोई भी मना नहीं करेगा अगर एडिशनल इनकम कमाने का मौका मिले राइट right? So, दो तीन नाम आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे देन <coughs> आप पूछ सकते हैं कि आपके फ्रेंड्स में से कोई है ऐसा राइट right? जिसे स्वीडिश क्वालिटी के प्रोडक्ट्स चाहिए हो या <coughs> जिसे एक एडिशनल इनकम अपॉर्चुनिटी चाहिए हो तो डेफिनेटली यू विल गेट लॉर्ड ऑफ रेफरेंसेस या तो रेफरेंसेस एक बहुत ही uh, बेहतरीन तरीका है नेम बैंक में नाम जोड़ने का और लोगों के साथ और के बारे में बात करने का Then, दूसरा तरीका है लोगों को ढूंढने का ऑनलाइन जिसके बारे में आजकल हम बहुत ज्यादा अवेयर हैं बहुत सारी ट्रेनिंग्स हम यहाँ कर रहे हैं एंड जब हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं जब हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन की तो ये बेहतरीन तरीका है जिसके थ्रू हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं तो आप फेसबुक uh, इंस्टाग्राम और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, यूट्यूब है पिंट्रेस्ट है डिफरेंट फोरम्स और ब्लॉग्स हैं जिन्हें आप रेफर कर सकते हैं अपने नेम बैंक को बढ़ाने में राइट लोगों को ढूंढने में और उन लोगों से और के बारे में बात करने में दूसरे प्रोस्पेक्टिंग मेथड जहां पर आपने एक वीडियो बना लिया है अपना मे इट्स व्हाट्सएप वीडियो डिफरेंट सोसाइटी ग्रुप्स हो सकते हैं डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स हो सकते हैं जिनमें आपने ये वीडियो सर्कुलेट किया और uh, जहां से आपको रिस्पॉन्स मिलता है आपके इस वीडियो पर लाइक्स आने शुरू होते हैं एंड देन यू कनेक्ट विद दीस पीपल राइट कोल्ड कॉन्टेक्ट का मतलब जहां आपने रेंडमली Uh, जैसे कि येलो पेजेस आया करता था या फिर गूगल से आपने एक लिस्ट निकाल ली राइट किसी भी हाउस की या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की या कॉरपोरेट एम्प्लॉयज की राइट right? उनके नंबर्स के साथ एंड देन आपने उनको कॉल करना शुरू कर दिया रैंडमली। so that is cold contact however that's not a very effective way of doing prospecting ideal way hai ki aap social media platform ko use kare name bank ko use kare logo ko connect karne ke liye अब important है कि जब आपके पास name bank में नाम आ गए हैं in different ways से तो आप इन्हें अपनी मीटिंग के लिए इनवाइट करेंगे कुछ एग्जाम्पल मीटिंग uh, में इनवाइट करने के जहां आप सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे हाय दिस इज जतिन कॉलिंग क्या आपके पास एक मिनट है मुझे आपका दो मिनट का समय चाहिए डू यू हैव अ मोमेंट एंड आई विल ओनली टेक टू मिनट्स क्योंकि uh, मुझे आपके साथ शेयर करना है uh, एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी जहां क्योंकि मैं जानता हूं कि आप बहुत uh, uh, नई चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा एक वेबिनार में और अगर एक ऑफलाइन मीटिंग हो रही है तो यू कैन ऑलवेज से एक स्किन केयर वर्कशॉप में या फिर एक इनकम अपॉर्चुनिटी मीटिंग में जो होने जा रही है मंडे को पांच से छ के बीच और आप ही के सोसाइटी के प्रमाइसिस में होने वाली है या सो so, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं जरूर आपको इस मीटिंग का इनविटेशन शेयर करना चाहूंगा मेक श्योर sure आप जरूर आए राइट right? जब आप ऐसे इनविटेशन लोगों को देते हैं लॉट ऑफ पीपल से यस लॉट ऑफ पीपल से नो लॉट ऑफ पीपल से अच्छा देखते हैं राइट right? सो so आपके लिए तो हर एक में अपोर्चुनिटी है या जिन्होंने येस yes कहा डेफिनेटली उनसे बात करेंगे और कुछ लोग आएंगे भी जिन्होंने कहा कि देखता हूं तो उनको एक और रिमाइंडर दे सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं कॉल कर सकते हैं जिन्होंने कहा नहीं अभी तो नहीं तो बाद में उन्हें कॉल कर सकते हैं फॉर सम अदर मीटिंग और ट्रेनिंग राइट <clears throat> जिसे भी आप इन्वाइट कर रहे हैं उसे कॉम्प्लीमेंट करें या उसे बता सकते हैं आप दैट आई हैव जस्ट ज्वाइंड ऑरि फ्लेम और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं बहुत मजा आता है यहाँ पर मीटिंग्स ट्रेनिंग्स को अटेंड करके एंड मुझे लगता है कि यू विल आल्सो लाइक टू हैव सेम फन इन लाइफ राइट So, uh, आप बात कर सकते हैं कि और इफ्लेम आप ही की तरह कुछ लोगों की तलाश कर रहा है जो कैटलॉग्स के थ्रू uh, अपने लिए एक इनकम अपॉर्चुनिटी और एक्स्ट्रा मनी को अर्न करना चाहते हैं इसलिए मेक श्योर कि आप मेरे साथ अगली मीटिंग में जरूर आए uh, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं तो मैंने कहा है आपको आने के लिए तो डेफिनेटली आना पड़ेगा यू नो काइंड ऑफ अ कैजुअल इनविटेशन राइट and then you you can always say you seem to be just the kind of person that I am looking for एंड देन से अपनी लाइफ में ऑपरचुनिटी so आपके पास है या और जिसे आप ज्वाइन करके आगे बढ़ सकते हैं अब लोगों के बहुत सारे परसेप्शन भी होते हैं राइट और लेके अच्छा ऑरिफ्लेम या मेरे को नहीं करना right सिर्फ नाम सुन के कुछ लोग मना कर देते हैं एंड दैट्स ओके इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है राइट लोग बहुत है या आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखें या देर आर प्लेंटी ऑफ पीपल आउटसाइड जिन्होंने शायद का ओ भी नहीं जो जानते होंगे राइट सो so, बार बार हम शायद उसी सर्कल में क्योंकि लोगों को बोलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जिससे मैं बात कर रही हूँ वो सब ऑरिफ्लेम करते हैं राइट बट लोगों के परसेप्शन लोगों का जो एक इमेज है वो अलग है कुछ लोगों के लिए ऑरिफ्लेम का मतलब है प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा या सो so, शायद कुछ लोगों ने जब ऑरिफ्लेम को ज्वाइन किया उन्होंने प्रोडक्ट सेलिंग पर इतना फोकस किया कि वो इमेज बन गया एंड दैट्स ओके या दैट कैन बी चेंज ओवर टाइम राइट जैसे आज की डेट में ऑरिफ्लेम को सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के लिए कंसिडर नहीं किया जाता आज की डेट में ऑरिफ्लेम इज एन अपॉर्चुनिटी जो सपने पूरे करती है या yeah? और बहुत सारे लोग हमारे साथ इसीलिए जुड़े हैं क्योंकि दे वॉन्टेड uh, एक इनकम जो हर महीने उनके पास आए लोगों so, के परसेप्शन कुछ भी हो सकते हैं आप कॉन्फिडेंट रहिए जब आप उनसे ऑरिफ्लेम के बारे में बात कर रहे हैं या आपका यहाँ ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि आपको पैसे कमाने हैं आपको इस ऑपरचुनिटी से आगे बढ़ना है तो फिर आप उस इमोशन में मत जाइए कि लोग क्या कह रहे हैं या क्योंकि लोगों की कमी नहीं है देर आर प्लेंटी ऑफ पीपल आउटसाइड एंड अनफॉर्चुनेटली अगर आज की सिचुएशन को देखें जहां नौकरियां नहीं हैं जहां बिजनेस बंद हो गए हैं हमारी ऑपरचुनिटी ही लोगों के लिए एज अ सेवियर काम करेगी सो इट इज द राइट टाइम टू अप्रोच देम एंड इंश्योर कि आप उनसे कनेक्ट कर रहे हैं उन्हें बता रहे हैं एंड अपने अपना एग्जाम्पल अपने अपलाइन लीडर्स का एग्जाम्पल जिस नेटवर्क को आप बिलोंग करते हैं उनका एग्जाम्पल दीजिए कहीं ना कहीं तो सक्सेस स्टोरी है ही आपके नेटवर्क में भी राइट सो मेक श्योर की यू बी वेरी कॉन्फिडेंट वाइल शेयरिंग द इन्विटेशन जो लोगों के साथ आप करते हैं राइट सो इन्विटेशन के बहुत सारे फ्रेजेस हो सकते हैं अलग अलग तरीके से इन्विटेशन दिया जा सकता है फोन पर दिया जा सकता है ईमेल पर दिया जा सकता है व्हाट्सएप पर दिया जा सकता है कैजुअल इन्विटेशन हो सकता है फॉर्मल इन्विटेशन हो सकता है एंड इट रियली डिपेंड्स राइट right? कि आपका रिलेशन सामने वाले के साथ कैसा है अगर आपका कोई बहुत अच्छा फ्रेंड है तो आप फॉर्मली बात नहीं करेंगे हाय हाउ आर यू कैसे हैं आप क्या मैं आपका एक थोड़ा सा समय ले सकता हूँ मुझे सिर्फ दो मिनट चाहिए आप इस तरीके से बात नहीं करेंगे इफ यू रियली नो पर्सन आप उसे झट से बोल देंगे कि एक मीटिंग रखी एक वेबिनार रखा है तो प्लीज अटेंड कर लेना राइट लाइक दैट सो इट रियली डिपेंड्स की वॉट काइंड ऑफ रिलेशन यू हैव विद पर्सन एंड किस तरीके से आप उनको इन्वाइट कर रहे हैं देर आर लॉर्ड ऑफ वेज लोगों को इन्वाइट करने के लिए राइट right? <clears throat> ऑफलाइन uh, मेथड की बात करें तो आप यहाँ पे डिफरेंट कार्ड्स को खरीद सकते हैं लोगों को इनवाइट करने के लिए जैसे हम कोई बर्थडे पार्टी होती है या कोई भी पार्टी है उसका इनविटेशन लोगों को देने जाते हैं प्रिंटेड कार्ड पर वैसे ही आप अपनी मीटिंग्स का इनविटेशन कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इफ इट इज एन ऑफलाइन मीटिंग ऑनलाइन में आप एक अच्छा सा इनविटेशन क्रिएट कर सकते हैं वी हैव कैनवा कैनवा के थ्रू आप एक इनविटेशन क्रिएट कर सकते हैं और उसे सर्कुलेट कर सकते हैं फेसबुक पर लाइव इनविटे नॉट लाइव बट फेसबुक पर एक इनविटेशन क्रिएट कर सकते हैं और उसे आप फेसबुक पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उस इनविटेशन पर आप लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं कि वो अपना कन्फर्मेशन दें कि वो आएंगे या नहीं आएंगे लाइक like दैट एंड yeah? <coughs> हमेशा जैसा मैंने शुरू में कहा रेफरेंसेज आपको पूछने ही पूछने हैं अब बहुत सारे लोगों के ऑब्जेक्शन होते हैं जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे कोई कहता है आई एम नॉट श्योर इफ आई वॉन्ट टू कम टू एन अपॉर्चुनिटी मीटिंग कोई कहेगा मेरे पास तो कोई सेल्स एक्सपीरियंस नहीं है आ, कोई कहेगा मेरे पास टाइम ही नहीं है घर के काम से फुर्सत नहीं मिलती राइट कोई कहेगा मुझे तो खरीदना ही नहीं है तो मैं आके क्या करूं राइट सो लोगों के अलग अलग डिफरेंट रीजन अलग अलग ऑब्जेक्शन हो सकते हैं और वो आपको देखना पड़ेगा सिचुएशन क्या है और उस हिसाब से इन ऑब्जेक्शन को हैंडल करना पड़ेगा हाउ एवर वन ऑफ दी टेक्निक दैट वी यूज विच इज वेरी वेरी पॉपुलर इज फेल्ट एंड फाउंड टेक्निक राइट जहां आप अपना खुद का एग्जाम्पल या अपने नेटवर्क में से किसी का एग्जाम्पल लोगों को दे सकते हैं फेल्ट एंड फाउंड टेक्निक यानी मुझे भी ऐसा लगता था लेकिन मैंने ऐसा पाया तो अगर कोई कहता है कि मेरे पास तो कोई सेल्स का एक्सपीरियंस ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा यहाँ तो आप कह सकते हैं मुझे भी ऐसा लगता था ज्वाइन करने से पहले कि यहाँ तो सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं क्या करूंगा लेकिन मैंने पाया कि यहाँ तो एक्चुअली कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है आप यहीं सीखते हैं और यहीं से सीख कर करते हैं राइट कोई कहेगा कि uh, मेरे पास समय नहीं है तो आप अगेन यू विल यूज द सेम टेक्निक ऑफ़ फेल्ट एंड फाउंड मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं कहाँ से इसको करूंगा लेकिन एक्चुअल में मैंने पाया कि यहाँ आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए आप अपने करंट uh, शेड्यूल में ही इसे कर सकते हैं राइट सो दिस इज हाउ यू नो आपको फेल्ट एंड फाउंड टेक्निक का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है अब आता है लोगों को जब आपने मीटिंग का इनविटेशन दे दिया तो उस मीटिंग को रन करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लोग ढूंढ लिए नेम बैंक के थ्रू फेसबुक के थ्रू लोगों को इनवाइट भी कर दिया डिफरेंट तरीके से अब जिस मीटिंग के लिए आपने इनवाइट किया है उसे अच्छे से रन करना भी जरूरी है इस तरीके की मीटिंग हो सकती हैं शायद आपने, one one किया हो। शायद आपने तीन चार लोगों को बुलाकर अपना टाइम फिक्स किया हो शायद आपने एक स्किन केयर सेशन के लिए लोगों को बुलाया हो या एक ऑनलाइन मीटिंग रखी हो जैसे अभी के टाइम में हम ऑनलाइन मीटिंग का इन्विटेशन लोगों को देंगे राइट सो so, अगर वन टू वन मीटिंग है तो ये बीस मिनट का प्रेजेंटेशन होगा जिसे आप अच्छे से जानते हैं और इफ्लेम अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन बीस से पच्चीस मिनट नहीं लगने चाहिए इससे ज्यादा उस अपॉर्चुनिटी मीटिंग प्रेजेंटेशन को करने के लिए आस्क ओपन क्वेश्चंस एंड लिसन आप में से कितने लोग सपने पूरे करना चाहते हैं ये एक ओपन क्वेश्चन है राइट और इसमें लोग क्या कहेंगे हाँ, हम सब पूरे करना चाहते हैं राइट अब आप इसको रिलेट करेंगे अपनी अपरचुनिटी से और लोगों को अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएंगे कुछ अपने खुद के एग्जाम्पल आप जिस नेटवर्क को बिलोंग करते हैं उसके एग्जाम्पल देंगे प्रोडक्ट्स के बारे में भी बता सकते हैं और अगर ऑफलाइन मीटिंग है तो डेमो कर दीजिए इनफैक्ट ऑनलाइन मीटिंग में भी आप डेमो करके दिखा सकते हैं वीडियो ऑन करिए और एक प्रोडक्ट डेमो कर दीजिए एंड देन क्लोजिंग करेंगे जहां आप हाई स्पीच रखेंगे और मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल और टेस्टिमोनियल क्लोजिंग आप कर सकते हैं सेम uh, आप करेंगे जब आप कुछ लोगों को इनवाइट करते हैं राइट right? जब आप कुछ लोगों को इनवाइट कर रहे हैं तो डेफिनेटली अपने लीडर को यहाँ जरूर रखिए उनके टेस्टिमोनियल uh, के लिए सो so दैट uh, जो लोग यहाँ आए हैं उन्हें ये भी पता रहे कि दैट पीपल आर ग्रोइंग एंड पीपल आर मेकिंग मनी फ्रॉम ऑल राइट क्योंकि लीडर के पास बिजनेस की जानकारी है बिजनेस की नॉलेज है और वो बहुत अच्छे से उस एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं राइट स्किन केयर सेशन कर रहे हैं तो ये एक बेहतरीन तरीका है लोगों को स्किन के बारे में ज्यादा बताने का स्किन अवेयरनेस क्रिएट करने का स्किन कैसे हेल्दी रहती है एक प्रोफेशनल अप्रोच के थ्रू लोगों को ये नॉलेज देने का और एक फन एक्टिविटी की तरह आप इसे करते हैं जहां लोग तो आपके साथ जुड़ते भी हैं और आपसे प्रोडक्ट्स परचेज भी करते हैं राइट तो इसकी तैयारी थोड़ा अच्छे और प्रोफेशनल ढंग से करें अपना वीडियो ऑन रखें अगर ऑनलाइन कर रहे हैं साथ में टेबल को तैयार रखें जैसे आप देखते हैं ना यूट्यूब पर कितने सारे कुकरी शोज आते हैं राइट जहां वो खाना बनाना सिखा रहे हैं छोटी छोटी डिशेस के बारे में सिखा रहे हैं या और पूरा एक कैमरा उनका चलता है जिसमें वो वो उसको पैन को भी दिखा रहे हैं ऑयल डाला उसको भी दिखा रहे हैं सेम वे आप भी कर सकते हैं राइट अपना वीडियो कैमरा ऑन करें जूम मीटिंग अगर कर रहे हैं एंड शो हाउ यू आर यूजिंग दी प्रोडक्ट्स कैसे स्किन केयर रूटीन फॉलो हो रहा है क्या क्या प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हैं और उसके बारे में बात करें ऑनलाइन मीटिंग ऑफ कोर्स हम ये बहुत अच्छे से कर रहे हैं पिछले एक डेढ़ महीने से Zoom uh, हमने एज अ platform चूज किया हुआ है अभी एंड other आर which ऑफ अदर same सेम presentation आप यूज करेंगे 25 अब ये हो गया रिक्रूटमेंट प्रोसेस राइट जहां लोगों को ढूंढना जहां उन्हें मीटिंग में इनवाइट करना और उस मीटिंग को रन करना इसका रिजल्ट होगा ढेर सारे रिक्रूट्स और जब आप किसी को रिक्रूट करते हैं तो आप बन जाते हैं स्पॉन्सर सो नाउ इट इज इंपॉर्टेंट कि आप एज अ स्पॉन्सर हेल्प करें एक नए कंसल्टेंट को एक सही शुरुआत करने में सपोर्ट करें उन्हें बिजनेस के बारे में बताने और जानने के लिए ट्रेन करें क्या क्या चीजें उन्हें सीखनी है क्या क्या उन्हें आनी चाहिए मोटिवेट करें और उन्हें डेवलप करने में मदद करें जो लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं उनके पीछे आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है यू आर इनवाइटिंग अ पर्सन फॉर अ ट्रेनिंग अगेन एंड अगेन एंड इफ द पर्सन इज नॉट कमिंग तो फिर आपको क्यों अपना टाइम वहां इन्वेस्ट करना है और वेस्ट करना है राइट right? इतने में तो आप चार लोगों को और रिक्रूट कर लेंगे और उन्हें ट्रेन कर देंगे राइट right? सो so सही लोगों पर फोकस डे वन से जरूरी है गेटिंग स्टार्टेड वो पहली चीज है जो आपको अपने लोगों के साथ करनी है आपके साथ गेटिंग तो स्टार्टेड हुआ है या नहीं हुआ है आई एम नॉट श्योर बट अगर आप एक सही स्पॉन्सर हैं तो आप गेटिंग स्टार्टेड जरूर करेंगे हर उस रिक्रूट के साथ जिसे आपने जोड़ा है राइट right? और ये आप सिखाएंगे अपने लोगों को भी कि जब वो किसी को जोड़ेंगे तो उन्हें भी गेटिंग स्टार्टेड करना है गेटिंग स्टार्टेड का मतलब आपका 20 मिनट का इन्वेस्टमेंट एक नए कंसल्टेंट के करियर में राइट right? कोई भी जो ऑरिफिल को ज्वाइन करता है बड़ी उम्मीदों से करता है कि यहाँ से वो ड्रीम को पूरा करेगा यहाँ से वो इनकम को अर्न करेगा और जो एक्साइटमेंट है वो पीक पर होता है अब इसी एक्साइटमेंट में आपको एक सही डायरेक्शन अपने उस नए रिक्रूट को देनी है सो so दैट वो एक्चुअल में यहाँ से ड्रीम्स पूरे कर सके आपको उन्हें मोटिवेट करना है एकदम से एक्शन लेने के लिए और एकदम से एक्शन क्या होंगे शो इनवाइट एंड अटेंड जहाँ आप उन्हें कैटलॉग अगर आज के बात करें तो आई विल डेफिनेटली शेयर कैटलॉग थ्रू व्हाट्सएप पीडीएफ फॉर्म में मेरे पास अवेलेबल है असेंशियल प्रोडक्ट्स की डिलीवरी मैक्सिमम जगह पर हो रही है आई विल शेयर दैट विद देम राइट और मैं उन्हें सिखाऊंगा कि कैसे इनके बारे में बात करनी है कैसे जो हमारी मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स हो रही है वहां लोगों को इनवाइट करना है और उनके साथ मिलकर अटेंड करना है राइट right? तो so, ये इमिडिएटली होना चाहिए जब आप किसी को रिक्रूट करते हैं या और ये बहुत जरूरी है आपके उस रिक्रूट के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए तो गेटिंग स्टार्टेड का पर्पस है पहला ऑर्डर भी तैयार करवाना जब आपने किसी को अपने साथ जोड़ा है तो उनसे सवाल करें कौन से प्रोडक्ट हैं जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं क्या एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो वो एसेंशियल्स कैटेगरी में या फिर कैटलॉग में से अपने लिए चूज करना चाहेंगे राइट आप उन्हें गेटिंग स्टार्टेड में ही सिखा देंगे कि नेम बैंक में से नेम बैंक को कैसे भरना है एक नया कंसल्टेंट जब कोई जुड़ता है तो वो तो एकदम फ्रेश माइंड के साथ जुड़ रहा है राइट उसके फोन में इतने सारे नाम होंगे जिन्होंने ऑरिफ्लिन के बारे में आदु कई सारे लोगों ने सुना भी नहीं होगा या, ऐसे so, में नेम बैंक बिल्ड कराना एक नए कंसल्टेंट के साथ बेहद आसान है और फिर आपको बोलना है कि जो भी नाम उसने नेम बैंक में लिखे हैं उनमें से किसी पांच लोगों को वो सेलेक्ट करे जिनके साथ कैटलॉग शेयर करेंगे राइट अगले पांच लोगों को सेलेक्ट करें जिन्हें वो हमारे अगले वेबिनार में या अगर ऑफलाइन मीटिंग है तो उसमें लेकर आएंगे राइट और फिर आप एग्री करेंगे डेट और टाइम पर जो आपकी नेक्स्ट फॉलो लिए फॉलोअप कैसे करना है तीन कॉन्टेक्ट सिस्टम को आपको फॉलो करना है पहला कॉन्टेक्ट जैसे ही आपने गेटिंग स्टार्टेड किया उसके 48 एट आवर्स के अंदर आपको पहला कॉन्टेक्ट करना है राइट right? और इस पहले कॉन्टेक्ट में कुछ कुछ सवाल होंगे क्योंकि आपने गेटिंग स्टार्टेड में कुछ चीजें सिखाई हैं उस नए पर्सन को कि नेम बैंक में से लोगों को आप इनवाइट करेंगे तो हो सकता है इस नए कंसल्टेंट के कुछ सवाल हो राइट तो आप इन 48 घंटों में जो कॉल कर रहे हैं वो उन सवालों के जवाब देंगे आपको यहाँ ये भी पता चल जाएगा कि गेटिंग स्टार्टेड में आपने जो सिखाया है उसमें से उस कंसल्टेंट ने कुछ किया भी या नहीं किया राइट किया तो क्या किया और कैसा एक्सपीरियंस रहा नहीं किया तो क्यों नहीं किया राइट right? और आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये इस पर समय आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है राइट एंड देन ऑफ कोर्स यहां आप उसे इनवाइट करेंगे प्रोडक्ट ट्रेनिंग में इनविटेशन देंगे स्टेप वन का कॉन्टेक्ट टू का मतलब महीने के बीच में अगर मैंने आज किसी को जोड़ा है तो मैं 48 घंटे में कॉल करूंगा अब मैं उसे अगले 10-12 दिन के बाद कॉल करूंगा ये चेक करने के लिए कि वेलकम प्रोग्राम का क्या स्टेटस है अपॉर्चुनिटी मीटिंग जो हम कर रहे हैं उसमें और तीन चार लोगों को लेकर आना है और स्टेप टू का इन्विटेशन जो आज की ये ट्रेनिंग हो रही है इसका इन्विटेशन देना है कॉन्टेक्ट थ्री मैं महीने के क्लोज करने से तीन चार दिन पहले करूंगा जहां अगेन वेलकम प्रोग्राम का स्टेटस चेक करूंगा, बिजनेस क्लास हो सकता है या नहीं वो चेक करूंगा और उन्हें इनवाइट करूंगा फर्स्ट में को, जो होने वाला है उसके लिए नेक्स्ट कैटलॉग में एटलीस्ट एक कॉन्टेक्ट पर कैटलॉग उन्हें क्रिएट करना है नए गोल्स को सेट करना है और अगले मोटिवेट uh, करना है लोगों को अचीव करने के लिए उन गोल्स को जो सेट किए हैं इस महीने के लिए इनवाइट करना है आ, हमारे इवेंट्स में वेबिनार्स में जो हम कर रहे हैं रिक्नाइज करना है उन सभी को जिन्होंने अपना लेवल्स अचीव कर लिए हैं और अपनी टीम को बिल्ड करना शुरू कर देना है राइट लर्निंग एंड डू थिंग्स आर राइट जैसे नए कैटलॉग लॉन्चेस में लोगों को लेकर आना एक तरीका जहां पर आप बहुत कुछ जानते हैं और के के बारे में उस मंथ के फोकस के बारे में ट्रेनिंग्स जो अब इम्पोर्टेंट हैं स्टेप वन एंड स्टेप टू उन्हें अटेंड करना और लोगों को करवाना और इनवाइट करना कंपनी की जितने भी वेबिनार्स हो रहे हैं ऑफलाइन है तो जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उनमें रिकग्नाइज करना जहां आप लोगों को फोन कॉल करेंगे और रिकग्नाइज करेंगे अगर उन्होंने पहला ऑर्डर डाल दिया है मेक श्योर sure आप उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट का व्हाट्सएप जरूर करें अगर उन्होंने किसी को रिक्रूट किया है कॉल देम एंड कंग्रेचुलेट कि वो सक्सेसफुली अपने साथ एक या दो लोगों को जोड़ पाए वेलकम प्रोग्राम का मैसेज डाल दें कॉन्ग्रेचुलेशन का बिजनेस क्लास के लिए उन्हें रिकग्नाइज करें और अगर नया लेवल अचीव किया है तो डेफिनेटली उन्हें आप रिकग्नाइज करेंगे को टीम बिल्ड करने पर हमेशा फोकस रखें और यहाँ पर जैसे आप अपने लीडर की को टीम का हिस्सा हैं वैसे ही आपके जो नए लोग हैं और जो काम कर रहे हैं और वो काम जो आपने गेटिंग स्टार्टेड में उन्हें सिखाया है तो डेफिनेटली वो डिजर्व करते हैं को टीम का हिस्सा बनना तो यहाँ पर उन्हें को टीम के बारे में बताना शुरू करें और इस टीम के साथ मिलकर ग्रो करने में उन्हें जरूर बताएं एक सही एडवाइस उन्हें जरूर दें और उन्हें सही तरीका जरूर बताएं जहां हर दिन नए लोगों से बात करनी है रेफरेंसेस लेना है और नेम बैंक को भरते रहना है और जितने भी लोगों से मिल रहे हैं उन्हें मीटिंग में इनवाइट करना है विच कुड बी अ वेबिनार विच कुड बी ऑफलाइन मीटिंग ऑल्सो राइट सो अगर आपने बीस कॉन्टैक्ट लिए हैं पांच गेस्ट को इनवाइट किया है तो आप एक रिक्रूट जरूर कर पाएंगे छह महीने से ज्यादा का वक्त आपको नहीं लगना चाहिए टू बिकम अ सीनियर मैनेजर फ्रॉम द मंथ यू स्टार्ट क्या और आप ऐसे ही आगे प्रोग्रेस करते जाएंगे सीखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे जहां फर्स्ट डे से ही आपको बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाते हैं जहां आप खुद के अपने बॉस हैं एक फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है जहां आप लोगों को अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं रिक्रूट करते हैं और नेटवर्क को बिल्ड करते हैं और एक फ्लेक्सिबिलिटी होते हुए आप इस काम को कर रहे हैं राइट तीन सिंपल एक्शन जो कंसल्टेंट लेवल पर रिक्वायर्ड है शो इनवाइट एंड अटेंड जहां शो करना है कैटलॉग जहां शो करना है ऑपरचुनिटी जहां शो करना है एसेंशियल प्रोडक्ट्स को इनवाइट करना है लोगों को मीटिंग्स uh, ट्रेनिंग्स में एंड उनके साथ मिलकर अटेंड करना है सो दैट्स ऑल फ्रॉम आर टूडे स्टेप टू ट्रेनिंग सो दूसरा कदम आपका आपके और मेक श्योर ऐसे ही ट्रेनिंग्स को अटेंड करते रहें और ज्यादा सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें थैंक यू सो मच